जी सुभाष गोयल साहब है स्टिक ट्रेवल्स के, वो कुछ कहना चाहते हैं। ओके गोयल साहब, मैं टूरिज्म इंडस्ट्री का प्रेसिडेंट भी हूं। माननीय प्रधानमंत्री ने टूरिज्म को लाल किले से, बिकॉज इट्स अ स्पोकलेट इंडस्ट्री एंड इट्स द लार्जेस्ट एम्प्लॉयमेंट जनरेटर इन द वर्ल्ड बीइंग लेबर इंटेंसिव, और जो 20 साल से नहीं हुआ था, मैं जो जर्नलिस्ट हैं उनके साथ शेयर करना चाहता हूं, जो 20 साल से हम ई वीज़ा का ट्राई कर रहे थे वो नहीं हुआ था, वो विद इन 100 डेज ऑफ अनाउंसमेंट जो पहले इनिशियल बजट हुआ वो हो गया था और ई वीज़ा इम्प्लीमेंट भी हो गया। इससे जितनी करप्शन थी ओवरसीज वो ख़त्म हो गई है। पर एक ही ये मतलब बहुत बहुत इम्पोर्टेंट स्टेप है, जिससे कि भारत की छवि को पूरी वर्ल्ड में बदनाम किया जा रहा था करप्शन की वजह से, वीज़ा की एजेंसीज बन गई थी, वो ख़त्म हो गया ई वीज़ा की वजह से, नंबर वन। और इस इंडस्ट्री को अगर आगे बढ़ाना है तो जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को एग्जेम्प्ट करा है सर्विस टैक्स से, उसी तरीके से फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग में टूर ऑपरेटर्स को भी एग्जेम्प्ट करना चाहिए, नंबर वन। हमारे टूरिज्म मिनिस्टर भी बिल्कुल, मैं उन्हीं को बुला रहा हूं, डॉक्टर महेश शर्मा टूरिज्म मिनिस्टर हमारे साथ है, प्लीज। और वो एग्री करेंगे कि 90% हमारे टूर ऑपरेटर्स वो स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्री को बिलोंग करते हैं और 80% फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग टूरिज्म से हमारे मेंबर्स करते हैं। पर एक तो हमें फंड्स जो है ना, कॉस्ट ऑफ फंड्स वो बहुत हाई हैं, इंटरनेशनल लेवल पे हम कम्पीट नहीं कर सकते, और वो लाइबर प्लस 1-2% पे मिलने चाहिए। आज जितने होटल्स हैं जो कि एम्प्लॉयमेंट जनरेटर्स हैं, जिनका मल्टीप्लायर इफेक्ट है इकोनॉमी में, इंक्लूडिंग द होटल वी आर सिटिंग इन, आज ये सारे डेट रिडन हैं, और इनको अगर आपने टूरिज्म इंडस्ट्री को ऑन अ फास्ट ट्रैक करना है तो ई वीज़ा के साथ साथ एविएशन को भी आपको हेल्दी करना पड़ेगा, वैलिड क्वेश्चन सर, एविएशन पॉलिसी भी करनी पड़ेगी जी, और लैंडिंग आपको वर्ल्ड रेट्स पे करनी पड़ेगी लाइबर प्लस 1-2% जी जी ओके। एक उत्तर के पहले हमें छोड़ो जी, ना, जी, हमें जी, जाना जी, भी जी जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपको थैंक यू कह रहा हूँ, लेकिन महेश शर्मा आप इसका क्विकली रिप्लाई दीजिए, देन वन क्वेश्चन थैंक यू ऑल। ओके देखिए सुभाष जी, आपने कुछ बदलाव महसूस किया, धन्यवाद आपका, कि प्रधानमंत्री जी ने चाहे अपनी लाल किले की प्राचीर, मेडिसन स्क्वायर, सिडनी या ब्रिक्स और सार्क, सभी से मैसेज दिया कि टूरिज्म इंडस्ट्री कितनी इंपॉर्टेंट है और उसमें स्टेक होल्डर्स की पार्टिसिपेशन कितनी ज़्यादा है। मेरे ख्याल से पिछले 1.5 महीने से जो मैं मंत्री बना हूँ, मेरी आपकी 6ठी मुलाकात है, और ये भी वादा है कि स्टेक होल्डर्स को हम साथ लेकर चलेंगे। अभी पूरे दुनिया का सिर्फ 0.64% हम पार्टिसिपेंट हैं टोटल टूरिज्म इंडस्ट्री के अंदर, परसेंटेज वाइज इट लुक्स वेरी लेस, बट व्हेन इट कम्स टू फिगर इट साउंड्स बिट कंफर्टेबल, आई डोंट से वेरी कंफर्टेबल। टोटल फॉरेन रेवेन्यू हम लोगों ने 1,07,000 करोड़ का रेवेन्यू टूरिज्म इंडस्ट्री से हम लोग कमाते हैं देश के लिए। इस टारगेट को 7 मिलियन जो इंटरनेशनल टूरिस्ट हमारे पास आता है, उस टारगेट को हमारा टारगेट है कि अगले 1 साल के अंदर हम दुगना कर 1.4 तक ले जाएं, और उससे जो रेवेन्यू अर्निंग्स होंगी जी, थैंक्स टू प्राइम मिनिस्टर दैट ही हैज गिवन मी इंडस्ट्री, जो दो तीनों मिनिस्ट्री जो मुझे दी हैं, उन तीनों में आपस में एक सिनर्जी भी है, और उसके पीछे जो थॉट प्रोसेस है वो ये कि जब भी हम कभी विश्व पटल पर या कहीं भी बात करते हैं तो हम अपने फॉरेन रिजर्व्स की बात नहीं करते, फॉरेन फंड्स की बात नहीं करते, हम ये जरूर कहते हैं कि आई हैव गॉट माई रिच हेरिटेज एंड कल्चर विद मी, taking that rich heritage and culture, giving mode of tourism and wings of aviation, we will take it to the corners of the world and of course we'll generate revenue also in this process, that is our dream ji, chal bilkul aakhri